ठीक है गाइस, चलें ठीक है। सो गाइस, टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज एवरेज। एंड एवरेज जो है वो आप लोगों को पता है ना, मैं एग्जांपल अगर दूं आप लोगों को कि भाई आप लोगों में से कुछ लोग हैं, मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे भाग रहा हूँ, इधर देखिएगा जरा। आपने पहले दिन पे, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे मैं बना रहा हूँ इसको, दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, क्या हो, कहाँ पे गया, ठीक है, ये यहाँ पे चौथा दिन है और ये यहाँ पे पांचवा दिन है। मिसाल के तौर पे आप लोगों में से कुछ बंदे हैं जो पहले दिन पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसको हल सही आ रही है, ये क्या कर रही है, माइक बंद करें, शाबाश। देखें यहाँ पे जो सिस्टम है वो, आप वही बंदा पहले दिन पे दो रोटियां खा रहा है, दूसरे दिन पे वो तीन रोटियां खा रहा है, चौथे दिन पे मतलब तीसरे दिन पे वो फिर दो रोटियां खा रहा है, चौथे दिन पे ना उसको भूख लगी है ज्यादा, वो चार रोटियों पे भी चला जा रहा है, फिर पांचवें दिन पे वो क्या है, एक रोटी खा रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले दिन पे फिर चार खाई थी तो आगे पे जो है वो मतलब एक रोटी खा रहा है, ठीक है। अब बात क्या है, अब आप लोग कोई भी आप लोग के पास बंदा आए, वो आपसे पूछिए कि भाई ये बंदा जो है वो रोटियां कितनी खाता है या खाती है, ठीक है, आप लोग उनको ये नहीं बताएंगे यार पहले दिन में तो मतलब पहले दिन में उसने एक रोटी खाई, दूसरे दिन में तीन, तीसरे दिन में दो रोटियां, चौथे दिन में, अगर ये बनाना ये बताना स्टार्ट कर देंगे ना वो बंदा सुनेगा नहीं और भाग जाएगा, आप लोगों के बोरिंग है। आप लोगों से वो पूछ रहा है कि ये लगभग एक दिन में कितनी रोटियां खाता है, आप उसको क्या बताते हैं कि आप अंदाजा करके कहते हैं ये जो पहले मिसाल के तौर पर ये जो दो यहाँ पे खा रहा है, चार यहाँ पे खा रहा है, आप अंदाजा करके बता दिए दो तीन, तीन कम से कम खाता है डेली, ठीक है। तो ऐसे ही अगर पांच दिन में ये इतनी इतनी रोटियां खा रहा है तो आप उनको अंदाजा बताते हैं, वो जो अंदाजा होता है ना वो कहलाते हैं एवरेज, वो एवरेज आप उनको लगा के बताते हैं कि भाई ये लगभग एक दिन में इतनी रोटी खाता है। लगभग एवरेज कैसे निकाली जाती है वो ऐसे देखें, पहले दिन में दो रोटियां, तीसरे सॉरी दूसरे दिन में तीन रोटियां, इधर देखिए आप रोड दे वाला थोड़े रेडि शाबाश, थोड़े थोड़ो शाबाश, समझ नहीं मतलब समझना है बाकायदा है ना, देखें इधर जरा, तीसरे दिन पे उसने रोटियां दो खाई, चौथे दिन पे उसने चार खाई, पांचवे दिन पे वन एक रोटियां खाई, ये टोटल कितने नंबर्स हैं, पांच नंबर्स हैं, ये इनको ऐड करके टोटल कितने हैं, पांच हैं। अब पांच से डिवाइड कर दिया आप लोगों ने, ऐड करें कितना आता है, आठ पांच कितना होता है, तेरह, बारह सर, बारह होंगे पक, यस सर, ठीक है ठीक है, बारह, तो बारह अपान फाइव मतलब ट्वेल्व अपान फाइव, इसका रिजल्ट आएगा 2.4, यस सर, यस सर, 2.4, ये 2.4 लगभग ढाई रोटियां, हाँ, तो वो जो है ना डेली लगभग ढाई रोटियां खाता है, मतलब दो रोटियां एक आधी रोटी और, ठीक है ना, लगभग आप बंदे को कहेंगे लगभग या 2.5 या 2.4 रोटियां, मतलब लगभग ढाई रोटियां या उससे कम, आप ये बताते हैं, तो एवरेज का मतलब यही है, कोई और कुछ नहीं है, ठीक है ना, आपको घबराना नहीं है, ये आप लोगों का काम आसान कर रहा है, ठीक है। तो एवरेज पे ले जाऊं आप लोगों को मैं, यस सर, चलें ठीक है, इधर सुनो, देखिए आपके पास तीन नंबर्स हैं, इनका एवरेज वो कह रहा है कि क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा, देखिए 2 + 5 + 7 ये ऐड कर दिया, अब सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, टोटल नंबर कितना है, ये एक नंबर है, ये दो नंबर, दूसरा है, ये तीसरा है, अब कितने नंबर है, तीन, अब सम ऑफ कर दिया डिवाइडेड बाय तीन, तो रिजल्ट कितना आता है बताया जरा मुझे, 4.6 टोटल, यस सर, 14 अपॉन, ठीक है शाबाश, तो ये आप लोगों क्या है, एवरेज है, हाँ गाइस ये समझ आया है, यस सर, अब आगे देखिएगा, थोड़े कॉम्प्लेक्स है मगर आगे देखिएगा, प्लीज प्लीज इधर देख लीजिएगा, इसका एवरेज देखिए सेम तरीका मैंने यूज किया है कि भाई इसका एवरेज जो है वो कैसे निकलेगा, इनको ऐड किया है डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल कितने हैं, पांच है, पांच ही डिवाइड कर दिया और रिजल्ट आपका 5.8 आ गया,
और एवरेज क्या आया 5.8 आया है। और मैं अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं, मैं अगर आप लोगों को क्वेश्चन दूं दूसरा 5, 6, 7, 2, 3, 4 इसका एवरेज निकाले। शाबाश, जल्दी करें जरा। शाबाश, 7 सर 7 7 आएगा पक्के? जी सर 4 सर 4 जी सर 4 6 मैं सॉरी 4 समझा रहा। 27 ऐसे होगा ना, सम सम क्या है टोटल का सम? यस सर 6 है 6 7/6 और 4.5 हां 4 पॉइंट समथिंग आएगा। हां दिसो ना ता लेका ते आयो हैं, मतलब आप लोग पता नहीं कहां पे हैं, आप देखें ना तो 4 पॉइंट क्या आएगा 5 आएगा। तो एवरेज इसकी क्या निकलेगी 4.5। गाल खत्म। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। आगे देखिएगा, अज्यूम अ नंबर, देखें चले चले ये ऐसे नहीं आते, ठीक है इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत फिर लंबा प्रोसीजर चला जाएगा एंड ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के पास आते ही नहीं है। और जैसे कि बड़े बड़े नंबर्स वाले ये चले चले मैं बता देता हूँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी थोड़ा है। अब थोड़े रे मतलब इधर देखिए, ये नंबर है आप लोग इसको ऐड करें फिर क्या करें फिर डिवाइड करें 5 से, ये इनकी एडिशन ही आप लोगों को टाइम ले लेगी, ऐसा है ना? मगर बात ये है कि आप लोगों को ऐसा करना नहीं है। कोई भी बीच वाला नंबर एज्यूम करें, कोई भी बीच वाला नंबर एज्यूम करें। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, एक मिनट यहाँ पे नंबर आप लोगों ने एज्यूम किया 70। अब 70 के बाद 70 एज्यूम किया, अब क्या करेंगे इसी 70 को 84 देखें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिजल्ट कितना आ रहा है 14। देखें 70 एज्यूम किया, आप लोग कोई भी 70 कर सकते हैं, मतलब एज्यूम कर सकते हैं 84 जो है 70, तो यहाँ पे 14 मैंने लिखे 97, यहाँ पे जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 27 बनेंगे पॉजिटिव के, 53 कर रहा हूँ तो कितने नेगेटिव बनेंगे, 70 से 53 सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, 53 से 70 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है 70 जो एज्यूम कर रहा हूँ वो मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, गॉट इट? तो 53 से 70 अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो माइनस, ये 59 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो माइनस 11, 79 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो पॉजिटिव क्या बच रहा है 9 है, 9 पॉजिटिव 9 बनेगा, ठीक है 9 होगा, Yes, positive 9, sorry for that, positive 9, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, ये जो नंबर बने हैं ना ये आप लोगों के लिए अब इजी हो गया है, अब इन्हीं को आप ऐड करें। ऐड में का मतलब क्या, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये देखे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव ये माइनस 9 आएगा, ठीक है सॉरी पॉजिटिव 9। तो देखिए इनको जब आप लोग ऐड करेंगे ना, माइनस देखिए ये माइनस माइनस ऐड करके ये पॉजिटिव ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा ऐसा ही। तो करना क्या पता है, अगर ये आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो 70 के साथ ऐड कर दें 4.4, अगर ये नेगेटिव आता है तो 70 के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर सपोज तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आया 70 + 4.4 आपका ये, मतलब ये आपकी एवरेज निकल गई। उम्मीद है समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया तो हम कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं आप लोग, कोई भी कर सकता है 72 करें, जो आंसर आएगा उसमें वो नंबर प्लस कर देना है। यस, अभी क्या करें, अभी मीटिंग एंड होगी ना, आप लोग क्या करेंगे 2 मिनट का वेट तो करते हैं, आप लोग इसी नंबर में, इसी में आप लोग, इसी नंबर में आप लोग एज्यूम करें 75, गॉट इट? 75 एज्यूम करें प्लीज, 75 एज्यूम करें एंड देन फिर देखेंगे आप लोगों की एवरेज जो है वो क्या आ रही है, ठीक है इसी प्रोसीजर से इसी वे से फिर नेक्स्ट जो हमारी होगी इसी में उसी में हम लोग करते हैं, ठीक है ये हमारा सेशन अभी तक का ये इधर का ही था, तो इसी में अभी करें आप लोग, अभी करें क्योंकि अभी एंड नहीं होगा, तो एक मिनट है अभी करें, शाबाश जल्दी करें जरा 75 एज्यूम करें।
जी गाइस हो रहा है? यस सर, माइनस 3/5। शाबाश, अब माइनस 3/5 क्योंकि ये यहाँ पे 4.4 जो आया है ना, ये इसलिए आया है कि यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव देना था 9, ठीक है ना? तो इसलिए वो आ गया है। तो 75 आपका रिजल्ट क्या आया है सर? माइनस 3/5, इसमें भी 75 ऐड करेंगे। 0.6 मतलब 0 पॉइंट क्या आया? 72/5। 0.6 ना, तो 0.6 अगर इसके साथ आप माइनस का अगर आया है तो सब्ट्रैक्ट करें, क्या आएगा? सेम आ रहा है, हैं? यस सर। देखिए जादू हो गया है। सर आसान नंबर को हम अज्यूम करेंगे, 75 तो इतनी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही है। निशा वो आप लोगों की मर्जी है, कोई भी करें, मगर बात यह है कि कोशिश करें कि वो ये वाला जो नंबर बच रहा है ना, ये वाला नंबर ये थोड़ा बचे, ठीक है? क्योंकि उसमें उसकी ट्रिक ये है कि इनके बीच वाला कोई नंबर आपको लग रहा है तो वो करें। अब 84 है, 97 है, ये 53 देखे फिर नीचे चला गया, ये थोड़ा नीचे है, ये नीचे है, तो ये 70 80 के बीच में कोई ले लें, 70 लें 80 लें, ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, मतलब टेंस के लिए 70 80 ऐसे, ठीक है? यस सर। चलें ठीक है, देखें आई थिंक ये 15 मिनट आगे चला जाएगा, वैसे तो मैं आगे जा रहा हूँ। देखें वो कह रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव ऑड नंबर्स की एवरेज क्या होगी? आंसर इज सॉरी 50 ऑड नंबर्स की जो एवरेज है वो क्या आएगी? इधर देखिएगा जरा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब ऑड नंबर की जब देखें अगर ऑड नंबर कह रहा है, अगर ऑड नंबर की एवरेज कह रहा है, मैं बताऊं 1+3 मतलब कि +5, मुझे ये बताएं कि टोटल नंबर कितने हैं, कितने मतलब कि फर्स्ट ऑड नंबर है, तीन ऑड नंबर है, फर्स्ट तीन ऑड नंबर्स हैं। यस सर। देखें फर्स्ट तीन ऑड नंबर हुए और अपॉन थ्री करूंगा, रिजल्ट क्या आ रहा है बताएं जरा? 3 आ रहा है। यस सर। देखें फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स हैं और फर्स्ट 3 ऑड नंबर हैं और उनकी एवरेज भी कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो अगर ऑड नंबर की बात है ना, ऑड नंबर की, अगर फर्स्ट 50 ऑड नंबर है तो आप लोगों का एवरेज भी 50 आएगा। अगर मैं कहूँ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स हैं, फिर भी कह रहा हूँ ऑड नंबर्स प्लीज, अगर फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स हैं तो ऑड जो 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 एवरेज आएगा वो भी 100 ही आएगा ऑड नंबर्स। अगर मिसाल के तौर पे इवन नंबर्स होते हैं, अब इवन नंबर में क्या है, अगर फर्स्ट 50 इवन नंबर्स हैं उनकी एवरेज क्या आएगी? 51 आएगी। एक ऐड कर देना, गॉट इट? अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, फर्स्ट 70 ऑड नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना आएगा? 70 और फर्स्ट 70 इवन 71 तो 71 होगा फर्स्ट इवन 71 मतलब नंबर्स का एवरेज। सर इवन सर प्रूव करा जो अब इवन देखें एवरेज मैं प्रूव करवा रहा हूँ। देखिएगा 2+4+6+8 फर्स्ट 4 इवन नंबर्स हैं, डिवाइड करें, देखें ना ये आप लोग खुद प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि ऑड नंबर का मैंने प्रूफ किया है ना, तो इवन आप खुद कर सकते हैं। इनको ऐड करें कितना रिजल्ट आ रहा है? 5 आएगा। देखें yes, हाँ? ये 20 बन रहे हैं। यस सर। यस सर। तो 20/4 तो 5। तो देखें फर्स्ट फोर इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो 5 है। वाह वाह, हाँ? तो कंफ्यूज नहीं होना है, अब देखिए फर्द अगर नेचुरल नंबर आ जाता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर अगर आ जाता है तो आप लोगों ने क्या करना है पता है? आप लोगों ने सिर्फ एक चीज करनी है वो ये करना है कि 50+1 देखें n इनटू 51 प्लस नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। इस चीज को छोड़ें 100 फर्स्ट 100 का जो एवरेज है वो
50.5 है, नेचुरल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो मीन की बात है वो अलग बात है। अगर फर्स्ट 50 है, मतलब फर्स्ट 100 एवरेज की बात करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट 100 कौन है इलियास भाई, माइक ऑफ करें, अब इलियास माइक ऑफ, थैंक यू। अगर मैं कहूँ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर की मैं एवरेज की बात करूंगा, तो 100 से एक ऐड करके अपॉन 2 कर दूंगा, मतलब की बात यह है कि n प्लस 1 करके अपॉन 2 कर दूंगा मैं, समझ आ रही है, मतलब कोई भी नंबर है, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का एवरेज फाइंड करना है, तो 20 प्लस 1 करके अपॉन 2 करना है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, 10.5 बस। सर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 अपॉन 2 ये नहीं होगा, नहीं नहीं बस छोड़े इसको, इसको छोड़े, इसको छोड़े, ठीक है, ये ऐसा समझे पास मुझसे गलती हो गई है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप लोग जेन मशीन रख लें, ये अब आ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को बहुत ज्यादा समझने होंगे, और ये समझने ही है, जरूरी समझने हैं, गॉट इट। देखें इधर कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 8 फ्रेंड्स इज 48 के, देखें जो फार्मूला है आप लोगों के पास, जो फार्मूला है एवरेज इज इक्वल टू, देखिए अभी ये 40 मिनट की जा रही है, ठीक है, वो 15 मिनट वो इधर उधर हो गया, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। इस फार्मूले को थोड़ा जहन कर ले प्लीज, थोड़ा 20 सेकंड ले लें, मगर जहन में याद में, मतलब जहन में हो जाए, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है, कर लिया याद? यस सर। मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, देखें कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 8 फ्रेंड इज 48 केजी, अ गर्ल ऑफ वेट, देखिए 8 दोस्तों में से एक लड़की है जो कि कह रही है कि जिसका 62 केजी है, माशाल्लाह मोटी है, ठीक है ना। अगर लव वेट 62 केजी लेफ्ट द ग्रुप, 8 दोस्तों में से अगर 8 दोस्तों का एवरेज वेट जो 48 है, और उन्हीं दोस्तों में से एक लड़की है जिसका एवरेज वेट, सॉरी जिसका वेट 62 केजी है, वो ग्रुप को छोड़ देती है, फिर कह रहा है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग फ्रेंड्स, रिमेनिंग कितने हैं, 7 दोस्तों की एवरेज वेट क्या होगी। इधर देखिएगा जरा, देखिए 8 फ्रेंड्स की एवरेज, मैं आप लोगों को फार्मूला लगा के दे रहा हूं, आप लोगों के दिमाग घूम रहे हैं, एवरेज 46 सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, देखें 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 इधर देखें, घबराना नहीं है, भले पेट्रोल 500 का हो जाए, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। इधर इधर देखें, जो हमें टोटल नंबर्स कितने हैं फ्रेंड्स 8 हैं, उनका एवरेज भी गिवन है, एवरेज कितना है 48 है, अब एवरेज 48 गिवन है, टोटल नंबर भी गिवन है, सम का पता नहीं है, अब एवरेज कितनी है 48 है, सम का पता नहीं है, अपन टोटल नंबर कितने हैं, टोटल फ्रेंड्स कितने हैं 8 है, 8। अब ये सम करें अगर, तो सम अगर करें तो सम कितना आएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो सम कितना फाइंड होता है, 384। ये आप लोगों का सम आ गया, इसका मतलब ये है जो 8 दोस्तों का जो टोटल, देखिए 48 केजी एवरेज है, 8 दोस्तों का जो टोटल सम है ना, कोई 70 का है, कोई 72 का है, कोई 50 का है, कोई 30 किलो का है, कोई 10 किलो का है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे इतना कमजोर आदमी मुझे जैसा है, तो उनका एवरेज 48 था, मगर उनका जो सम किया है वो 384 है, अब सम 384 मिल गया है, मगर इसी 84 में से जो एक लड़की निकल रही है, 84 में से लड़की कितने वजन की निकल रही है, 62 की निकल रही है, तो कितना बच रहा है, जरा मुझे जरा बताएं तो सही, जरा बताएं, 322। अब देखें वो आप पूछ रहा है, अब देखें 322 किसका सम है, अब 7 दोस्तों का, 7, अब ये 7 फ्रेंड्स का सम है, मगर वो पूछ रहा है कि एवरेज कितना होगा 7 फ्रेंड्स का, फिर सेम एवरेज निकाले, सम अपॉन टोटल फ्रेंड्स, अब सम कितना है इसका,
बताएं जरा, माशाल्लाह 322 है, अब टोटल नंबर कितना है 7 है, अब लगाएं और 46 कितना होगा 46 मतलब 46 होगा ना, यस सर, तो समझ आ गया गाइस, यस सर, ये क्वेश्चन समझ आया है पक पक, यस सर, शाबाश। अब इलियास भाई और रहमदिल भाई, दूसरे भी फवाद भाई, फजल रहमान भाई, अरीजा अरीदा भाई, अरीशा भाई समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर, जी सर, आ रहे, शाबाश 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 शाबाश। देखें पूछना मेरा जरूरी है, हर किसी का नाम भी नहीं ले सकता, मतलब सकता ना, तो बस सारे समझ जाएंगे, मैं सारों से पूछ रहा हूँ, माशाल्लाह एवरेज समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, देखिएगा, अगर क्वेश्चन है, अगर ए प्लस बी बराबर है 3c + d के देखें वो कह रहा है फिर एवरेज जो है ए कमा बी सी एंड डी की एवरेज क्या होगी। देखिए ए बी का, ए बी की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, वो कह रहे ए बी सी और डी की वैल्यू क्या होगी, मतलब उसकी एवरेज क्या होगी, एवरेज कह रहा है, एवरेज क्या होगी ए बी सी और डी की, तो उस हवाले से जो है इनका मतलब वैल्यू क्या, मतलब एवरेज क्या होगी ए बी सी डी की, कर सकते हैं आप लोग? देखें मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, वो आपसे पूछ रहा है ए बी सी डी की एवरेज, तो ए बी सी डी का एवरेज कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन क्या होगा 4, क्योंकि वो 4 डिजिट्स हैं। और ये आप लोगों को ना नादानों को पता हो जरा कि यहाँ पे ये जो वैल्यू गिवन है ना, इसका और चक्कर नहीं है, इसी का एवरेज में ही इसी की वैल्यू पुट करनी है। ए प्लस बी की एवरेज क्या है, ए प्लस बी यहाँ पे है, इसकी एवरेज क्या है, मतलब ये सॉरी ए प्लस बी किसके बराबर है, 3c + d के बराबर है। तो अगर ये इसके बराबर है तो मैं कैसे लिखूंगा भाईयो, ये बराबर इसी के है, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये पूरा अगर मैं इसके बराबर कहूँ तो ये क्या निकलेगा 3c + d क्या निकलेगा, प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 है, मानते हैं आप लोग ये c + d? हाँ, देखे तकड़ ना क्यों शाबाश, तकड़ ना क्यों, सबर देखें, अब ये 3c + 3d + c + d अपॉन 4, तो ये 3c ये c, 3d ये d, कितना होगा 4c + 4d upon 4, 4 कॉमन निकालें ऊपर से, जरा देखें कॉमन, हालत कॉमन अचीव, ये देखें जरा अपॉन 4 निकाल दें, क्या रिजल्ट बचा आप लोगों के पास, c + d। वाह वाह माशाल्लाह, पता चल गया आप लोगों को? यस सर। क्वेश्चन दूं तकड़ा सी जो है, अगर अब अरे हां सफा तकड़ा सी जो मच में, तो मां थोड़ा जज्बाती आया हूं चंबा हण दमा c + d बराबर है आप लोगों का 2a + b के, अब थोड़े रिड्यूस जो मच में हो, तो रिड्यूस जो थोड़ा इधर देखना है, तो मैं कह रहा हूँ या आप लोग इसको क्या करें यार, 7 कर दें, ठीक है इसको 7 कर दें, आप लोगों को ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, मतलब एवरेज निकालना, ये आप लोग करके बताएं 4a + b तकड़ गई तब ना 2a + b सर, हाँ शाबाश, 2 क्या आएगा a प्लस बी, 2a + 2b, यस सर 2a + b a + b, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से किए जा सकते हैं, उम्मीद करूं आगे कर सकते हैं, यस सर, मतलब आप लोगों को एवरेज पहले प्रॉब्लम करती थी या नहीं करती थी, थोड़ा मुझे ये बताएं, से पहले भी पढ़े थे, पर ये वाले क्वेश्चन जो है ना, अभी लास्ट की दो एग्जांपल ये न्यू थी मेरे लिए, तो
मेरा यही तो मसला है ना, एवरेज ऐसा वही पढ़ता हूँ सही, पांच नंबर में ऐड करो डिवाइड करो बस मना आ गया रिजल्ट बस एवरेज मना बन गई हमारी हित ही मना उनसे उनकी काती लगी हुई है मतलब बात यह है कि हमें डिफिकल्ट का जैसे बात ये याद